दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की तरफ से मैं आज अजमेर के सभी शहरवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। हैप्पी दिवाली। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। मैं अनुज अग्रवाल, अजमेर तनिष शोरूम से। अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। MB मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट अजमेर द्वारा आज जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित दर्ज प्रकरण संख्या 201/2019 में आज माननीय न्यायालय में पूर्व में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसमें अब तक 13 गिरफ्तार शुदा आरोपी गणों के विरुद्ध चालान पेश किया गया है और 13 ही अभियुक्त अभी उनके विरुद्ध 173(8) CRPC के तहत आरोप पत्र लंबित रखा गया है। इनके विरुद्ध अभी अनुसंधान जारी है। इसमें ACB द्वारा जो 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध जो चालान पेश किया गया है इसमें करीब 52,000 प्रश्नों की चार्जशीट तैयार की गई है और मूल चार्जशीट आज माननीय न्यायालय में पेश की गई है जिसमें 22/10 तक का चेक अवधि में रखा गया है और इसके बाद में संबंधित और भी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध जिनमें चालान पेंडिंग रखा गया है और इनके खिलाफ अनुसंधान लंबित है उनमें केंद्रीय कारागार की जो तत्कालीन सुप्रिटेंडेंट श्रीमती नीलम चौधरी और अन्य कर्मचारीगण में कालूराम, हेमराज आचार्य, कैलाश, रामराज, विनोद और प्राइवेट व्यक्ति है जिनमें जिनके विरुद्ध अनुसंधान पेंडिंग है गविंदर सिंह, राधेश्याम चौधरी, त्रिलोक, जीतराम, महेंद्र, ईश्वर सिंह, शैलेंद्र सिंह और अन्य। मतलब अभी भी 13 अभियुक्त गणों के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है और इस पूरे प्रकरण में जो सजायाफ्ता बंदी थे शैतान सिंह और दीपक उर्फ सनी ये अपने परिजनों और अपने जो जानकार जो प्राइवेट व्यक्तियों को इस वसूली के खेल में जो शामिल किया गया था इसमें करीब करीब जो अब तक स्टेटमेंट प्राप्त हुए बैंकों से उसमें करीब करीब 33,44,000 रुपये की राशि इनके खातों में ट्रांजेक्शन हुई है और ये ट्रांजेक्शन जो अवैध रूप से इनके बंदियों के परिजनों से डरा धमका कर सुविधा शुल्क उपलब्ध कराने के नाम पर प्रतिबंधित सामग्री अंदर प्रोवाइड कराने के नाम पर हुई है। इससे संबंध में कई खातों की अभी भी डिटेल शेष है और जो 13 अभियुक्त गण जो अभी पेंडिंग है इनके खातों की भी डिटेल की और जाँच की जा रही है और इसमें अन्य अनुसंधान अभी पेंडिंग है और जो जो अनुसंधान में जो तथ्य उजागर होंगे उसके आधार पर अनुसंधान करके कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट अब तक की सबसे बड़ी हुई? हाँ, 52,000 पेज की तो अब तक हो चुकी है और अब जब 13 मुलजिम और होंगे तो आप इसमें और ज़्यादा ये इंक्लूड कर लीजिए, 52,000 की और हो जाएगी, करीब 1,00,000 से ज़्यादा प्रश्नों की चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी।